इसको बोलते हैं ठाड़ दोना, जो पूजा पाठ में यूज करते हैं। ये देखिए, और यह है सरई का पत्ता। तो राम राम दोस्तों, आप सारे दोस्तों को दुबला फैमिली ब्लॉग में स्वागत है। तो अभी सुबह का 6 बजने वाला है कि 6:30 बजने वाला है कि 5:30 बजने वाला है, पता नहीं। साढ़े 6 बजने वाला है, 5:30 सॉरी। चलिए झाड़ू वाड़ू लगाते हैं फिर तरफ से। देखिए छरा तो दे दिए हैं, छरा दिए हैं, अभी झाड़ू लगाएंगे। चलिए पहले झाड़ू लगाते हैं। चलिए पहले झाड़ू लगा लेते हैं। और सभी दोस्तों का नया साल मुबारक हो, हार्दिक शुभकामना। तो चलिए मिलते हैं। तो राम राम दोस्तों, और अभी सुबह का 9:30 बज रहा है और आज का ब्लॉग को हमारे मैडम जी स्टार्ट किए हुए हैं और अभी जा रहे हैं हम लोग काम करने, नया साल के दिन भी। और नया साल की हार्दिक शुभकामनाएं आप लोगों को। आप लोग स्वस्थ रहिएगा और मस्त रहिएगा, और हम लोगों के तरफ से आप लोगों को ढेर सारा आशीर्वाद। तो चलते हैं दोस्तों, आज भी काम करने, देखते हैं थोड़ी देर करेंगे फिर कहीं कहीं जाएंगे, अगर जल्दी से काम ख़त्म कर पाएंगे तो। तो चलते हैं, अभी परछा तरफ पहुंचने वाले हैं। साबर और बोसला पकड़ लिए हैं, कांटी ठोकना है। तो चलिए, अभी ठंड भी लग रहा है हल्का हल्का, और आज धूप निकला हुआ है। तो चलते हैं अभी काम करने, और यहाँ पहुँच गए हैं। और इतना सा खुर्रा, एक ठो बाकी खुर्रा है यहाँ गाड़ने के लिए इस साइड में। और अभी आ रही है अभी। तो चलिए अब काम करते हैं, और बच्चे लोग सभी आज पिकनिक जा रहे हैं इधर। तो अभी हम लोग आ गए हैं दोस्तों घर बरछा से काम वाम करके, और सभी बच्चे लोग जा रहे हैं पिकनिक मनाने। इधर नया साल है इसलिए नदी साइड में। तो कोई बना रहे हैं मुर्गा, तो कोई अंडा, तो कोई क्या क्या बना रहे हैं पता नहीं। मेरा पैर बहुत दर्द कर रही है, ये देखिए एक घाव है, ये छाड़ भी नहीं रही है। और हवा भी चल रहा है, और मैं नहाने का सोच रहा हूँ। कल नहीं नहाया, सुबह नहा लेती हूँ, फुर्सत हो जाती है। और कल नहीं नहाया था मैं, सुबह नहाने से ठंड नहीं लगती है ना, इसलिए सुबह नहाती हूँ। आज का ब्लॉग को ये चालू की है, पता नहीं कैसे बनी है। जो कुछ भी गलती हो गई उसके लिए सॉरी, माफ करना। और फिर से एक बार नया साल की आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे परिवार की ओर से। तो आप भी नया साल का मस्त एंजॉय कीजिए। तो चलते हैं दोस्तों अभी नहाने। और उधर देखिए हमारा मुर्गा कैसा, और वो देखिए कैसा कर रही है, घाम ताप रहा है।
यहाँ आराम से सो रही है, खाना उना खा के। मैं पकड़ने जा रही हूँ। तो चलिए बोर चालू करते हैं। इधर है हम लोग का बोर, लेकिन लाइट कम रहता है। वहाँ नहाएंगे। साबुन उबुन ले लेते हैं। यहाँ साबुन और फिर बोरा को इस साइड में करेंगे, उधर धान वान सुखाएंगे। यहाँ को खोलना पड़ेगा। चलते हैं दोस्तों, अभी हम लोग आ गए हैं अपना। इनका मूसा खोद ले, बरहा खोद ले। हम लोग अपना टीका तरफ आ गए हैं। बोला बरहा खोद ले तब दिखे। किधर है? और यहाँ मूंगफली भी नहीं है और बरहा कैसा एक वाला जो है कोड़ दिया है। ये देखिए पूरा मूँगफली नहीं है। हम लोग अच्छा है, पहले से नींद लिए थे। तो यहाँ देखे दोस्तों, जिस काम के लिए हम लोग आए थे नया साल के दिन, वो ये देखिए जिस काम के लिए आए थे। और यह बेल का पेड़, तो आज सोमवार है, तो आज पूजा करेगी, ये उपवास है नया साल। और यहाँ बेल पत्ता देखिए हम लोगों का। नया साल और नया ब्लॉग वीडियो बनाई है और नया बेल पत्ता तोड़ने आई है। क्योंकि आज ठंड में ही चालू करेंगी ना, इसलिए और सरई पत्ता तोड़ी। तो का देख तोड़ भी इक्कीस थी या तो 108 बोले चप्पल पीन। और किसी को बेल बंधा का ज़रूरत है तो वहाँ हम लोगों को संपर्क करिए। वो देखिए उधर लाल लाल, ये हम लोगों के टिकरा तरफ है। यहाँ देखिए बेल बंधा, कुछ कुछ दवाई बनता है क्योंकि ये पूजा वाला पौधा है। यहाँ देखिए दोस्तों, इस सरई का पत्ता भी तोड़ रहे हैं इधर। और यह सरई का पेड़ और सरई का पत्ता देखिए पूरा छेदा छेदा वाला है, तो छांट छांट के तोड़ना पड़ता है।
ये तो बढ़िया है। तो यहाँ देखिए मुखारी भी है, यानी कि दातुन, ये देसी वाला, और ये है सरई का मुखारी। इसको तोड़ते हैं, ये छोटा है, ये थोड़ा बड़ा साइज का है, ये थोड़ा तोड़ लिए हैं इधर। और ये सुबह सुबह ब्रश करने का काम आता है हमारे गांव देहात में। तो अभी हम लोग आ गए हैं दोस्तों जंगल से घर अपना। ये देखिए इतना सारा पत्ता लाए हैं, और अभी बना रही है, क्या बना रही है, इसको बोलते हैं ठाड़ दोना, जो पूजा पाठ में यूज करते हैं। ये देखिए, और ये है सरई का पत्ता, कुछ ऐसा है। और इधर है बेल पत्ता, देखिए इतना सारा, आधा झोला है, इतना को पूजा करेगी। आधा खराब पत्ता है ना, पत्ता भी छांटना पड़ता है। तो चलिए दोस्तों, आज का ब्लॉग को यहीं तक रखते हैं, और हमारे डूला फैमिली ब्लॉग को लाइक कर देना, और चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लेना, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो फिर मिलेंगे दोस्तों अगले ब्लॉग्स में, तब तक राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद, जय भारत।